नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा हो जाता है बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या देखने वाले हैं कि खिलजी वंश से रिलेटेड हो जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, समझ सकते हो क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है। इसको हम बहुत ही अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आपके समझ में आए। ठीक है, तो बात करते हैं, इससे पहले की देख लेते हैं जो आपके बुक में हमने पढ़ रखा है। यूनिट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था वो पढ़ा था गुलाम वंश, क्योंकि सबसे पहले जो आपके बुक में दे रखा है वो क्या दे रखा है, गुलाम वंश दे रखा है। ठीक है, तो गुलाम वंश के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है। तो जो गुलाम वंश का प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। ठीक है, अगर यही पूछ ले कि अंतिम कौन हो जाता है, क्या हो जाता है, अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का, तो वह हो जाता है कैकूबाद। क्या हो जाता है भाई, कैकूबाद हो जाता है। तो बस इतना ही आपको याद करना है। क्या याद करना है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट कौन हो जाता है, कैकूबाद हो जाता है। ठीक है, ये हमने सारा की सारा देख रखा है पीछे। बस यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें क्या पूछता है, प्रथम शासक और अंतिम शासक, तो दोनों यहाँ पर लिखवा दिए हमने। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हमारा चल रहा है दूसरा वंश। उसके बाद आया था गुलाम वंश, के बाद कौन आया था, गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी। ठीक है, क्या था, खिलजी वंश आया था। ठीक है, अब बात करते हैं खिलजी वंश जो हम पढ़ रहे हैं, खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो कौन हो जाता है, तो वह हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन हो जाता है भाई, जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है खिलजी वंश का प्रथम शासक। यही बात करें कि अंतिम शासक कौन हो जाता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक। ठीक है, तो गुलाम वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो वह हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। कौन, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक हो जाता है वो हो जाता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो आप जब इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे हमें क्या लिखना है। ठीक है, अब ये तो हमने लिख ही दिया कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था, और अंतिम शासक कौन हो जाता है, नसीरुद्दीन शाह हो जाता है। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आज का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वह हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक, ध्यान से देखना, प्रशासनिक और राजस्व संबंधी सुधारों की समीक्षा कीजिए, जो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक में, अपने प्रशासन में, ठीक है, तथा राजस्व संबंधी जो सुधार किए थे उनके बारे में आपको हेडिंग डालकर लिखना होगा। ठीक है, या इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक तथा राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिएगा। क्वेश्चन का मतलब एक ही दे रखा है। आगे बात करते हैं, अब हम देखेंगे इसके उत्तर। तो हमें सबसे पहले, मैंने आपको बता रखा है, जितनी हमें नॉलेज हो उसे हम क्या करना है, जैसे हमने उत्तर लिखा तो हमें एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। ठीक है, छोटा सा क्या बनाना है, एग्जाम में बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स में क्या लिखना है, प्रथम शासक। ठीक है, यहां पर हम नीचे करते हैं जो कि आपको थोड़ा समझ में आए। अब हम उत्तर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से उत्तर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो उत्तर में हमें क्या लिखना है, ऊपर करते हैं, उत्तर में हमें क्या बनाना है, उत्तर में हमें एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, उत्तर लिख के हमने क्या बना दिया भाई, बॉक्स बना दिया, जिसमें हमें इंपोर्टेंट जो कुछ हमें याद है इसके बारे में वो हम लिख सकते हैं, जो कि एग्जामिनर समझे कि हाँ हमने कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे खिलजी वंश का प्रथम शासक। ठीक है, खिलजी वंश का प्रथम शासक। ठीक है, अब खिलजी वंश का प्रथम शासक लिखने के बाद कौन लिख देंगे, जलालुद्दीन खिलजी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक, ठीक है, कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी लिख देंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी लिख देंगे। अब यहां पर खिलजी वंश के कितने शासक रहे थे, ठीक है, खिलजी वंश के कितने सुल्तान थे, कह सकते हैं कि खिलजी वंश में सुल्तानों की संख्या, ठीक है, यहां पर लिखा खिलजी वंश में सुल्तानों की संख्या कितनी थी भाई? 5 थी। ये मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, कितनी थी? 5 थी। अब हम लास्ट में क्या लिख देंगे? चौथी हेडिंग लिख देंगे, खिलजी वंश का अंतिम शासक। कौन लिख देंगे? अंतिम शासक। तो अंतिम शासक कौन हो जाता है? वह हो जाता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया। बस इतना हमें लिखना है किसमें? एग्जाम में जब भी कभी खिलजी वंश आता है तब अगर इतना आप लिख दोगे तो एग्जामिनर को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ रखा है। और आप हेडिंग थोड़ी सी मजबूत डालिएगा क्योंकि नंबर आपको 100% मिल पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमने क्वेश्चन में कुछ लिख दिया उत्तर डाल के, ठीक है, बॉक्स में। अब उसके बाद हम यहां से शुरुआत करेंगे आगे की ओर, ठीक है, क्या करेंगे? आगे की ओर अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो बात करते हैं, पहली हमारी जो हेडिंग पड़ेगी वो कौन सी पड़ जाएगी? उत्तर के अनुसार पहली हेडिंग तुम्हारी बॉक्स में हो गई। अब हम डालेंगे हेडिंग क्वेश्चन के अनुसार कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, क्योंकि प्रशासनिक सुधार की बात कर रहा है पहले। तो पहले हम क्या डालेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, जो कि खिलजी वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी हमने एक हेडिंग क्या डाल दी है तो आपको पता ही चल गई, ठीक है। पहली हेडिंग हमारी पड़ जाती है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी प्रतिभा संपन्न एवं योग्य शासक था। कैसा था? प्रतिभा संपन्न और सुल्तान होने के योग्य शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। आपको पता है इसके बारे में, जब हमने उससे पहले जब इसकी देख क्षेत्र गृह नीति वगैरह सारे के सारे देखे थे, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड, तो सारे के सारे आपको मैंने वहां पर बता रखा है। अगर आपने वह देखा होगा तो ये क्या होंगे, बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं, कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उसके बाद के शासकों ने जिसका अनुसरण किया, बाजार पर नियंत्रण उसकी नवीन योजना थी। आपको पता है बाजार नियंत्रण नीति जो चलाई थी वो किसने आई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं, जो बाजार पर नियंत्रण इसकी नवीन योजना थी जिसका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, उसने सारे प्रशासन में शक्ति और कार्यकुशलता में वृद्धि की थी। सबसे पहला शासक था जिसने की प्रशासन की शक्ति और कार्यकुशलता में वृद्धि की थी। संपूर्ण प्रशासन पर उसके शक्तिशाली व्यक्तित्व का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके बारे में सारा के सारा हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है, आपको आराम से समझ में आता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्व नीति। क्या देखने को मिलती है? कुछ राजस्व नीति हो जाती हैं, राज्य से संबंधित कुछ नीतियां उसने बनाई थी जिनको हम देखने वाले हैं। अलाउद्दीन ने राजस्व नीति में कई सुधार किए जो निम्नलिखित प्रकार से हो जाते हैं। पहले हम क्या देखने वाले हैं? राजस्व नीति, क्योंकि पहले हम राज्य के बारे में देखने वाले हैं। तो पहली जो नीति हो जाती है राजस्व नीति संबंधित, वह हो जाती है मुस्लिम माफीदार वर्ग। ध्यान से देखना, मुस्लिम माफीदार वर्ग, जो मुस्लिम थे उनको जो माफीदार वर्ग था उनके अंतर्गत कुछ देखने को यहां पर मिलता है। तो इसको देखेंगे जो कि आपको समझ में आता रहे, पहले कह दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, मुस्लिम माफीदार वर्ग जिसमें राजस्व में वृद्धि करने के लिए अलाउद्दीन ने सभी प्रकार के माफी जमीनों, जो माफी जमीन वगैरह हो जाती हैं, जैसे कि इनाम वगैरह दे सकते हैं, है ना। राजा महाराज जो पहले हुआ करते थे वो क्या करते थे, अगर कोई अच्छा काम करता था तो उसे कुछ जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, या और भी रहने के लिए घर या फिर कुछ भी भेंट कर दिया जाता था। तो वही बात यहां पर हो रही है मुस्लिम माफीदार वर्ग के अनुसार, ठीक है। तो बात करते हैं, राजस्व में वृद्धि करने के लिए अलाउद्दीन ने सभी प्रकार के माफी जमीनों, जैसे कौन सा हो जाता है, इनाम, इद्रारात, वक्फ, मिल्क और मफरूज को निरस्त कर दिया था। अगर आपको इतना कुछ याद ना रहे तो आप सिर्फ 2 याद कर सकते हो, इनाम और इद्रारात, बस आदि लिख देना, आदि को निरस्त कर दिया। ये माफी की जमीनें पूर्ववर्ती सुल्तानों ने केवल मुस्लिमों को प्रदान की थी। जो पहले के सुल्तान थे उन्होंने कुछ प्रदान किए थे इनकी कुछ अच्छी नीतियों को देखकर। तो वह हो जाता है मुस्लिम वर्ग की माफीदार वर्ग जो हो जाता है, उनके अनुसार राजस्व नीति अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। एक हेडिंग हमारी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, वो हो जाता है हिंदी, थोड़ा ऊपर करते हैं, चमक आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं दूसरा जो हो जाता है हिंदू जमींदार वर्ग। पहले हमने क्या देखा, पहला देखा मुस्लिम माफीदार वर्ग, अब हम क्या देखने वाले हैं हिंदू जमींदार वर्ग। जो हिंदू लोग थे, जमींदार थे, उस वर्ग पर कुछ नीतियां देखने को मिली थी। तो बात करते हैं सुल्तान ने इसी प्रकार की नीति हिंदू माफीदार वर्ग पर लागू की। जो हिंदुओं को कुछ दिया गया था इनाम वगैरह, ठीक है, तो उसमें भी जिस प्रकार से मुस्लिम जो हो जाते हैं उन पर, उसी प्रकार से हिंदुओं पर भी माफीदार वर्ग लागू किया था, ठीक है। फिर बात करते हैं यह जमींदार वर्ग राजस्व अधिकारी था। यह जो जमींदार वर्ग होता है वह क्या था, राजस्व अधिकारी था। मतलब कैसे था, क्योंकि जमींदार क्या होते हैं, कर देते हैं, और राजस्व किस पर डिपेंड होता है, जमींदारों पर ही डिपेंड होता था। तो बात करते हैं इनके भ्रष्टाचारी जमीन से सुल्तान परिचित था, जीवन से, सॉरी, इनके जो भ्रष्टाचारी जीवन था, जो राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, इनके भ्रष्टाचारी जीवन से सुल्तान कैसा था, परिचित था। सुल्तान ने राज्य की आय में वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शक्ति समाप्त करने के उद्देश्य से उनकी माफी की भूमियों पर भूमि कर लगाया था। जो जमींदार होते हैं, जमींदारों को जो माफी कह सकते हैं, माफी भूमि जो मिली थी, उन पर क्या लगाया गया था, भूमि कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार। तो एक हमारा हो जाता है राजस्व नीति के अनुसार एक उद्देश्य जो हो जाता है हिंदू जमींदारों वर्ग पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग जो हो जाती है वह हो जाती है राजस्व संग्रह में सुधार। जो राजस्व संग्रह होता है उसमें सुधार इन्होंने किए थे, उसको हम देखने वाले हैं। तो अलाउद्दीन जानता था कि उपज का आधा भाग लेने से भू राजस्व में कृषक वर्ग पर काफी भार पड़ेगा। अगर कोई भी कृषक है या फिर किसान है, अगर उससे आधा भाग लिया जाएगा, ठीक है, इसकी उपज का, कृषि की उपज का आधा भाग लिया जाएगा, तो जो भू राजस्व में कृषक जो वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उस पर काफी भार पड़ेगा। इसीलिए उसने कृषकों को उचित न्याय देने का प्रयास किया। इसके लिए उसने भूमि की पैमाइश आरंभ की। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, भूमि की पैमाइश आरंभ किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले करवाई थी, जिससे केवल उचित लगान ही किसान से वसूला जाएगा, ठीक है, एक प्रकार से हो जाता है वसूल किया जाए, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से उसकी क्या है, भूमि है, उसी प्रकार से उसे क्या वसूला जाए, कर या फिर लगान वसूला जाए। दूसरे सुधार हुए थे वो पटवारियों के रिकॉर्ड, जो पटवारी वगैरह होते हैं, आप जानते हो नेपाल वगैरह, उसमें पटवारी कहते थे। दूसरे सुधार पटवारियों के रिकॉर्ड बही की जांच करने की परंपरा भी आरंभ की थी। इनसे पटवारियों से ऊपर भी कुछ कह सकते हैं अधिकारी इन्होंने नियुक्त किए थे जो कि पटवारियों की भी जांच की जा सके, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है राजस्व संग्रह में सुधार किए गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग जो हो जाती है वो हो जाती है भू राजस्व में वृद्धि। तो भू राजस्व में वृद्धि देखने को मिली थी, ठीक है, इसमें भी उन्होंने कुछ सुधार किए थे। जैसे कि हो जाता है कि राजकोष को किससे, शराबबंदी, देखो ध्यान से, भू राजस्व में वृद्धि करने के लिए यह भी इन्होंने अपनाया था कि राजकोष को शराबबंदी की नीति से काफी राजस्व की हानि हुई थी। जो पहले के राजा महाराजा लोग थे वो क्या करते थे, शराब वगैरह पीते थे, है ना, तो उससे यहां पर देखा है कि राजकोष को शराबबंदी की नीति से काफी राजस्व की हानि हुई थी। इसके अलावा एक बड़ी शक्तिशाली सेना की मंगोलों के आक्रमण, आंतरिक विद्रोह के दमन तथा साम्राज्य विस्तार के लिए आवश्यक थी। अगर दे रखा है यहां पर, इसके अलावा एक बड़ी शक्तिशाली सेना, क्योंकि मंगोल क्या कर रहे थे, मंगोल उस समय आक्रमण कर रहे थे, इसलिए मंगोलों के आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह के दमन के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए आवश्यक थी ये सारी की सारी नीति उठाना और एक बड़ी शक्तिशाली सेना को तैयार करना। अतः भूमि कर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया। क्योंकि अगर हमारे पास राजस्व नहीं होगा तो हम सेना को तैयार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने उपज को जो पहले तैयार की थी उसको, उपज को बढ़ाकर, लगान को बढ़ाकर क्या कर दिया, आधा भाग कर दिया। ठीक है, तो यह हो जाता है भू राजस्व में वृद्धि। नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट उसको देखने को मिलता है हेडिंग, जो हमारी हेड हो जाती है हेडिंग नंबर 5, वो हो जाती है वेतन में वृद्धि। क्योंकि जो सैनिक लोग होते हैं, है ना, वो किस पर रक्षा करेंगे राज्य की, भाई वेतन पर। ठीक है, तो बात करते हैं वेतन में वृद्धि देखने को मिली थी। राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को अलाउद्दीन समाप्त करना चाहता था। जो राजस्व विभाग था उसमें जो व्यापक भ्रष्टाचार होता था उसको अलाउद्दीन समाप्त करना चाहता था। उसने इस बुराई को दूर करने के लिए राजस्व अधिकारियों को वेतन बढ़ा दिया। जो राजस्व अधिकारी होते थे उनका भी वेतन बढ़ा दिया। इस पर भी जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा, इतने पर भी कि यहां पर राजस्व जो अधिकारी हैं, जो राजस्व खजाने का जो देखभाल करते हैं, उनका वेतन बढ़ा दिया। और इस पर भी जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा, अलाउद्दीन ने उन्हें कठोर दंड दिया। तो यहां पर नीति हो जाती है वेतन में वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा हम देखने वाले हैं दीवान ए मुस्तक राज की, यहां पर बनाया गया था दीवान ए मुस्तक राज, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो बात करते हैं राजस्व विभाग का सबसे बड़ा दोष यह था कि भू राजस्व का बकाया पड़ा रहता था। जो भू राजस्व जो है वो बकाया पड़ा रहता था, कह सकते हैं भू राजस्व का बकाया पड़ा रहता था, कह सकते हैं कि भू राजस्व है। ठीक है, जो भू राजस्व है उसके अलावा जो कर लिया जाता है वो क्या कह रहे हैं, वो बकाया पड़ा रहता था। मतलब उसके बाद उसके जैसे कह सकते हैं कि भू राजस्व के अलावा की बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो दीवान ए मुस्तक राज की बात, तो राजस्व विभाग का सबसे बड़ा दोष यह था कि भू राजस्व का बकाया पड़ा था। भू राजस्व के अलावा कर की बात यहां पर की जा रही है कि सुल्तान ने एक विशेष दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना इस समस्या को हल करने के लिए की कि जो दीवान ए मुस्तक राज है वह राजस्व, भू राजस्व के अलावा जो लागान है उसको यह वसूलेगा। ठीक है, स्थापना की, राजस्व अधिकारियों के प्रति कठोर नीति के द्वारा यह विभाग क्या हुआ, बकाया राशि को वसूलता था। वही बात हो रही है कि भू राजस्व के अलावा जो कर लिए जाते थे वो किसके अनुसार, दीवान ए मुस्तक राज के अनुसार वसूले जाते थे। ठीक है, तो एक इन्होंने ये राजस्व नीति अपनाई थी। ठीक है, तो यहां पर 6 हमारी हेडिंग हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं 7वीं हेडिंग की ओर। 7वीं हेडिंग हमारी क्या पड़ती है देखते हैं, वो पड़ती है अतिरिक्त कर। क्या और भी अतिरिक्त कर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन ने राजस्व में वृद्धि करने के लिए 2 नए कर, एक होता है घरी या फिर ग्रह, क्या कह रहे हैं ये, घरी या फिर ग्रह कर लगाया तथा और लगाया चरी या फिर चराई कर लगाए। 2 कर इन्होंने लगाए थे, एक लगाया था घरी और एक लगाया था चरी। ठीक है, कौन से 2 कर, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व में वृद्धि करने के लिए 2 कर और लगाए, एक हो जाता है घरी और एक हो जाता है चरी। घर का अर्थ हो जाता, घरी है वो किस पर लगाया गया था, गृह मतलब जिसमें रहते हैं, घर पर, हाउस पर लगाया गया था। तथा जो चरी जो कर था वो लगाया गया था चराई कर, चराई पर लगाने के लिए, जैसे कि जानवर वगैरह चढ़ते हैं उस पर कौन सा लगाया गया था, वो लगाया गया था चरी कर। ठीक है, उसने गृह कर में तो कई छूट नहीं दी, लेकिन जो गृह कर था उसमें कोई भी छूट नहीं दी, मगर चरी कर में कुछ छूट देखने को मिली। जैसे कि हो जाता है उनमें 2 बैल, 2 भैंस, 2 गाय और 10 बकरी को चरों से मुक्त कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना कि 2 बैल, क्योंकि जो हल जोतते हैं 2 ही बैल जोत होंगे। ठीक है, कृषि करेंगे तो 2 बैल मुक्त कर दिए, 2 भैंस पाल सकते हो, 2 गाय पाल सकते हो या फिर 10 बकरी भी आप पाल सकते हो, को करों से मुक्त कर दिया था। इससे उन किसानों को राहत मिली जो इन पशुओं को अपने परिवार के लिए रखते थे या फिर पालते थे। ठीक है, तो एक हमारी हो जाती है, वो जाती है अतिरिक्त कर, जो कौन से थे, एक था घरी और एक था चरी। ठीक है, दो कर लगाए थे इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, आठवां जो हमारी हो जाती है हेडिंग राजस्व से संबंधित, वो हो जाती है जजिया। कौन सा? जजिया कर, ये तो आपने पता ही है। ठीक है, तो बात करते हैं, हिंदुओं से जजिया लिया जाता था और राजस्व का एक मुख्य स्रोत था। यह भी कहना गलत है क्योंकि हिंदू पर क्या लगाया जाता है? जजिया कर लगाया जाता है। मगर यह भी कहना क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गलत है कि करों के भारी बोझ से वह हिंदुओं को दरिद्रता पहुंचाता था। किसान और बहुसंख्यक राजस्व अधिकारी हिंदू ही थे। कौन थे? किसान और बहुसंख्यक जो राजस्व अधिकारी थे वो कौन हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी में? हिंदू ही हुआ करते थे। तो इसलिए यह कहना गलत है कि करों के भारी बोझ से वह हिंदुओं को दरिद्र बनाना चाहता था, यह कहना गलत होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बात करते हैं, नमी हेडिंग जो हमारी हो जाती है वह हो जाती है अपनी पशुओं पर जकात समाप्त करना। क्या हो जाता है? पशुओं पर जकात समाप्त करना, जो जकात लगाया था उसको यहां पर समाप्त करना। तो बात करते हैं, जो व्यापारी पशुओं को व्यापार करते थे, ध्यान से देखना, पशुओं पर जकात, ठीक है, समाप्त करना। जो व्यापारी पशुओं का व्यापार करते थे और बड़ी संख्या में पशु पालते थे, उन पर चराई का बोझ बढ़ गया। उन पर क्या हुआ? जब चरी कर लगा दिया तो चराई का क्या हो गया? बोझ बढ़ गया, क्योंकि वो तो भी बहुत बहुत पालते हैं, है ना, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। इस भार को कम करने के लिए पशुओं पर जो जकात था वह समाप्त कर दी। ठीक है, जो जकात था वह क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जकात किसके लिए था? सिर्फ ध्यान रखना, ये चरी कर नहीं है, ये जकात अलग है, जो किस पर है? ओनली व्यापारियों के लिए, पशुओं के व्यापारियों के लिए समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, जो हेडिंग हमारी हो जाती है, हेडिंग नंबर हो जाती है 10। इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है जागीरों की समाप्ति। क्या देखने को मिलती है भाई? जागीरों की समाप्ति। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को वेतन नकद रूप में दिया, उसने वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा बंद कर दी। जो पहले के राजा महाराजा थे वो सैनिकों को क्या करते थे? कुछ भूमि दे दिया करते थे कि यहां पर कमाओ और खाओ, है ना, और जब राज्य की सेवा करने का मौका मिले तो सेवा करो। तो इस प्रकार से जो चली आ रही थी प्रथा, उसको किसने? अलाउद्दीन ने बंद कर दिया और सैनिकों को नगद वेतन प्रदान कराने लगे। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन प्रदान कराने की प्रथा किसने चलाई थी? तो वह कौन हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बिल्कुल। बात करते हैं, अब भूमि राजस्व को संग्रह करके शाही खजाने में जमा किया जाता था। जो भूमि राजस्व होता है उसे संग्रह करके, इकट्ठा करके, कहां पर? जो शाही खजाना होता है उसमें जमा किया जाता था, तथा सैनिकों को खजाने से नकदी के रूप में वेतन दिया जाता था। अलाउद्दीन की कर प्रणाली की जियाउद्दीन बरनी ने कटु आलोचना की है। किसने? जियाउद्दीन बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी की कटु आलोचना क्या की है, इसको भी देख लेते हैं। यह सत्य है कि करों के बोझ से अलाउद्दीन ने काफी वृद्धि कर ली थी। जो करों का बोझ था उससे अलाउद्दीन ने काफी वृद्धि कर दी थी। कर क्या हुए थे? बढ़ा दिए थे, और सभी वर्गों पर इसका बोझ पड़ा। इस वृद्धि का औचित्य यह था कि वृद्धि विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए तथा आंतरिक शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक थी। क्योंकि जो करों में वृद्धि की थी अलाउद्दीन खिलजी में, वो क्यों आवश्यक थी? क्योंकि आक्रमण, जो बाहरी आक्रमण है, जो मंगोल वगैरह के आक्रमण कर रहे हैं हमारे देश पर, उसकी रक्षा करने के लिए, और आंतरिक जो शांति बना, क्योंकि राज्य में क्या है? शांति तभी रहेगी जब राजा क्या होगा? शक्तिशाली होगा, है ना। तो वही यहां पर बात हो जाती है कि आंतरिक शक्ति स्थापित करने के लिए आवश्यक थी, और सभी वर्गों को यह उत्तरदायित्व बहन करना था, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये हो जाते हैं सैनिक सुधार। अब तक हमने क्या देखे, राजस्व सुधारों को देखा, अब हम क्या देखने वाले हैं, सैनिक सुधारों को यहाँ पर देखने वाले। बढ़ते हैं तो अलाउद्दीन के साम्राज्य का आधार उसकी सैनिक शक्ति थी, क्योंकि अलाउद्दीन ने क्या किया था, अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था और ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान हो जाता है। तो अलाउद्दीन के साम्राज्य का आधार उसकी सैनिक शक्ति थी, उसने सैनिक शक्ति के द्वारा ही राज सिंहासन पर प्राप्त किया था। किसने? उसने सैनिक शक्ति के द्वारा ही राज सिंहासन प्राप्त किया था दिल्ली में, और वह राजपद को सैनिक शक्ति के द्वारा ही सुरक्षित रख सकता था। एक विशाल तथा शक्तिशाली सेना संगठित करने के कई अन्य कारण भी थे, और भी कारण हो जाते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी बड़ी सेना को तैयार किया था। पहला हो जाता है मंगोलों के आक्रमण लगातार हो रहे थे। आपको हमने इसके बारे में बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति एक क्वेश्चन में डाला है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बात करते हैं, जो पहला हमारी हेडिंग हो जाती है, क्यों उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी सैनिक शक्ति को बनाया था। तो पहला जो कारण हो जाता है वो हो जाता है कि मंगोलों के आक्रमण लगातार हो रहे थे, जिससे दिल्ली की सुरक्षा संकट में पड़ गई थी, इसलिए शक्तिशाली सेना संगठित की गई थी। सेकंड हो जाती है, वो हो जाता है कारण अपना, वह हो जाता है सुल्तान साम्राज्य का विस्तार करने के पक्ष में था, अपने साम्राज्य को फैलाने के पक्ष में था, तथा साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी शक्तिशाली सेना आवश्यक थी। जो आंतरिक अगर सुरक्षा करोगे, देश की सुरक्षा करनी है तो क्या चाहिए भाई, सेना भी चाहिए, है ना। तो इसलिए साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी जो शक्तिशाली सेना थी वो क्या थी, आवश्यक थी। और जो हमारा फोर हो जाता है वह हो जाता है सैनिक शक्ति सुल्तान की अनियंत्रित शक्ति का आधार थी, जिसके बल पर वह विभिन्न वर्गों को नियंत्रित में रख सकता था, क्योंकि एक वर्ग नहीं था, हिंदू मुस्लिम सभी लोग वहां हुआ करते थे, तो उनको एक वर्ग में रखने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए सैनिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। तो यहां पर हमारे चार कारण हो जाते हैं, चारों की चारों आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इनके कुछ प्रमुख और भी कारण, ठीक है, जो उन्होंने कदम उठाए थे सैनिक से संबंधित। तो पहला हो जाता है, वह हो जाता है स्थायी सेना। कौन सा हो जाता है भाई, स्थायी सेना हो जाता है, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या, सैनिक सुधारों के बारे में यहां पर देख रहे हैं। तो सैनिक सुधारों में एक जो सुधार हो जाता है वो हो जाता है स्थायी सेना का, ठीक है, किसका, स्थायी सेना का। तो अलाउद्दीन ने स्थायी सेना का निर्माण किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एमसीक्यू कि स्थायी सेना का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का निर्माण किया जो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। उसके प्रत्यक्ष मतलब एक होता है अप्रत्यक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष मतलब सामने, ठीक है। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, वह एक योग्य सेनापति था, खुद में क्या था, वह एक सेनापति था, वह एक योग्य सेनापति था और सीधे अपने नियंत्रण में सेना को रखना चाहता था। इसके लिए सेना मंत्री को क्या कहा जाता था कि आरिज ए मुमालिक, क्या कहते थे, आरिज ए मुमालिक के यहां कहा जाता था। किसको, सेना मंत्री को। सेना मंत्री सैनिकों की भर्ती करता था और उन्हें नकद वेतन दिया करता था। कौन देता था भाई, सेना मंत्री। सेना मंत्री सैनिकों की भर्ती करता था और उन्हें नकद वेतन दिया करता था। अब दूसरी जो हेडिंग हमारे पहली हेडिंग में देख ली स्थायी सेना, ठीक है। सैनिक सुधार पहला कौन सा हो गया, स्थायी सेना का। अब सेकंड हो जाता है कौन सा, सेकंड जो सुधार हो जाता है सैनिक सुधार वो हो जाता है हुलिया का। किसका, हुलिया का। उसकी योग्यता के अनुसार प्रत्येक सैनिक को भर्ती किया जाता था और उसे पद दिया जाता था। जिस योग्य है उसी अनुसार क्या मिलते थे, उसे पद मिला करते थे। तथा सैनिकों की भर्ती का निरीक्षण सुल्तान भी करता था। जो सैनिकों की भर्ती हुआ करती थी तो उनका जो निरीक्षण होता है वह कौन क्या करता था, सुल्तान भी करता था। भर्ती किए गए सैनिकों के हुलिया का रिकॉर्ड रखा जाता था। इन्होंने देखो यहां पर हुलिया क्यों दे रखा है, कि उसका जो चेहरा है वो पहचाना जा सके। तो यहां पर हुलिया का रिकॉर्ड रखा जाता था आरिज के दफ्तर में। किसके, आरिज के, ध्यान रखना, आरिज के दफ्तर में यह रिकॉर्ड रखा जाता था। प्रत्येक सैनिक को इस सुधार से स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य था। क्यों, अगर सैनिक स्वयं उपस्थित नहीं होगा तो उसका जो हुलिया बना रखा है ना, जो चित्र बना रखा है, उसके अनुसार उसे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर सैनिक को इस सुधार से स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य हो गया था और दूसरों को वह अपने स्थान पर नहीं भेज सकता था, क्योंकि उसे पहचानने के लिए क्या बनाया गया था, एक रिकॉर्ड बनाए गए थे, सभी सैनिकों के हुलिया को मतलब चित्र को तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हेडिंग जो सुधार हो जाती है, सैनिक सुधार हो जाता है हुलिया। अब हम देखते हैं थर्ड सैनिक सुधार, जिसमें देखने को मिलता है दाग प्रणाली। अब दाग प्रणाली किससे रिलेटेड थी, ये हो जाती है घोड़ों से संबंधित। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि दाग प्रणाली किसने शुरू की थी, तो वो किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। तो सेना में घुड़सवार सेना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था और सेना की कुशलता उसी पर निर्भर करती थी। घुड़सवार सेना की कुशलता बनाने के लिए, सॉरी, घुड़सवार सेना को कुशल बनाने के लिए सुल्तान ने उत्तम घोड़े जो 100 से 120 टंकों में खरीदे जाते थे, ठीक है, वही बात यहां पर हो रही है कि उत्तम घोड़े मंगवाए, साथ ही राज्य में घोड़ों की नस्ल सुधारने की प्रयास भी किया था और सैनिक अच्छे घोड़े रखे, इसके लिए घोड़ों को दागने की प्रथा प्रचलित की गई, किसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, खिलजी वंश में। और बात करते हैं जो हमारा 4 हो जाता है सैनिक सुधार, वह हो जाता है नकद वेतन, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी प्रथा चलाई थी, सैनिकों को नकद वेतन दिया जाएगा, क्योंकि पहले जमीन दिया करते थे सैनिकों को और अब क्या दिया रहा है, नकद वेतन दिया जा रहा है। वेतन के रूप में घुड़सवार सैनिकों को कितना मिलता था, 234 टंका प्रति वर्ष निश्चित कर दिया गया था, क्योंकि बाजार नियंत्रण में आए थे, बाजार जो थी नियंत्रण बाजार नियंत्रण किसने लाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। तो यहां पर जो सैनिकों का एक वेतन हुआ करता था वो हुआ करता था 234 टंका प्रति वर्ष निश्चित कर दिया, तथा एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर, एक और घोड़ा अगर रखता है वह, तो उसे कितना मिलेगा अलग से, 78 टंक प्रति वर्ष अतिरिक्त मिलता था। कितना मिल रहा है, 234 तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि वह घुड़सवार है, और अगर एक घोड़ा और रखता है तो कितना मिलेगा, 78 टंक प्रति वर्ष अतिरिक्त मिलता था। कौशलालय से सैनिकों को वेतन दिया जाता था, जो कौशलालय होता है वहां से सैनिकों को वेतन दिया जाता था, तथा संभवतः पैदल सैनिकों को कितना, 165 टंका प्रति वर्ष दिया जाता था, इन्हें भी नकद वेतन दिया जाता था। घुड़सवार को और पैदल सेना को कितना, घुड़सवार को दिया जाता है 234 टंका, और अगर एक घोड़ा और रखता है तो 78 टंक, और अगर पैदल सैनिक हैं तो उन्हें दिया जाता था 165 टंका। ठीक है, तो बात करते हैं अब हमारी जो हो जाती है सैनिक सुधार, हो जाता है 5वीं हेडिंग, जो देखने को मिलती है बाजार नियंत्रण। तो बात करते हैं बाजार नियंत्रण, ये सैनिक सुधार के अंतर्गत क्यों आया, इसको देखते हैं। तो मुद्रास्फीति हो जाने के कारण बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे। जो मुद्रास्फीति हुई थी उस समय, जो जब ये राजा बना था, शुरू नंबर तब की बात यहां पर हो रही है शुरुआत में, तो मुद्रास्फीति के जाने के कारण बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन सैनिकों का वेतन बढ़ने के लिए अलाउद्दीन तैयार नहीं था कि सैनिकों का वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि राजस्व इतना था नहीं। तो देखा है वह इसी वेतन पर सैनिकों को रखने के लिए कृत संकल्प था कि सैनिक जो है वो इसी वेतन पर काम करें, अतः उसने मूल्यों को वृद्धि को रोकने के लिए बाजार नियंत्रण लागू की। बाजार नियंत्रण में कर ली कि बाजार का जो रेट होगा वो सिर्फ जितना निश्चित कर दिया जाएगा उतने में ही बिकेगी। तो इस प्रकार से बाजार नियंत्रित की, तो क्या हुई, सैनिकों में भी जो मुद्रास्फीति थी वो भी वहीं पर रुक गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हो जाता है हमारा सैनिक सुधार, वो अंतर्गत आता है कि दुर्गों का निर्माण व मरम्मत। जो दुर्गों के निर्माण करवाए तो मरम्मत करवाई थी, इसको देख लेते हैं। हेडिंग हमारी हो जाती है, ये भी किससे संबंधित है, ये भी है सैनिक सुधार से संबंधित, जो कि आपको आगे समझ में आ जाएगा। मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए सीमा पर नए दुर्ग का निर्माण किया गया। आपको पता है जो ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, दुर्ग कहा जाता था। तो मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए सीमा पर नए दुर्गों का निर्माण करा गया तथा पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई गई। इसमें योग्य सैनिकों की नियुक्ति की गई थी, उनके लिए पर्याप्त वस्त्र और खाद्यान्न आदि रखा जाता था उन्हीं दुर्गों में। ठीक है, उन्हीं दुर्गों में उपलब्ध था खाना और वस्त्र। दशमलव प्रणाली पर सेना का संगठन किया गया था, ठीक है, दशमलव प्रणाली हुई, उस पर सेना का संगठन किया गया था। सबसे छोटी इकाई 10 सैनिकों की थी। सबसे छोटी इकाई जो हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, वो कितने 10 सैनिकों की हुआ करती थी। उसके बाद 100 सैनिकों की हुआ करती थी, और उसके बाद 1000 सैनिकों की इकाइयां थी। 10, 100 और 1000 सैनिकों की इकाइयां यहां पर हुआ करती थी। 10,000 सैनिकों की जो इकाई हुआ करती थी उसे तुमन कहलाते थे। क्या कहती थी भी? तुमन कहलाती थी। तो क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में कि जो 10,000 सैनिकों की इकाई हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के समय, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे तुमन कहा जाता था, ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारी हो जाती है सैनिक सुधार। कौन सा हो जाता है? वह हो जाता है अपना आर्थिक सुधार। अब यहां पर आर्थिक सुधार हो जाते हैं। सबसे पहले राजस्व सुधार देखे, उसके बाद सैनिक सुधार देखे, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे आर्थिक सुधार, ठीक है, बात वही है। तो यहां पर हम देखने वाले हैं, क्या है? आर्थिक सुधार को देखने वाले हैं। तो बात करते हैं, अलाउद्दीन ने आर्थिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी सुधार किए। आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने क्या किए थे? क्रांतिकारी सुधार किए। बाजार में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए उसने जो उपाय किए उसे बाजार नियंत्रण कहा जाता है। जो बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध हुआ करती थी उनके मूल्यों को वृद्धि को रोकने के लिए, उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उन्होंने क्या चलाई थी? बाजार नियंत्रण एक प्रकार से नीति चलाई थी, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? बाजार नियंत्रण नीति ही कहा जाता था। बाजार नियंत्रण की दो मुख्य विशेषताएं थी। अब बाजार नियंत्रण कौन कौन सी विशेषताएं थी? दो थी। पहली हो जाती है मूल्य नियंत्रण, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु का मूल्य सुल्तान ने निश्चित किया था कि यह वस्तु इतने में ही बिकेगी, और जिसमें उसने फिर कोई परिवर्तन नहीं किया कि भाई यह मूल्य है तो इसी मूल्य पर ही बिकती रहेगी। उसने बाकी फिर कभी कोई परिवर्तन इन मूल्यों में नहीं किया। दूसरी, नियोजित आधार पर बाजारों में नियमित रूप से वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था देखने को मिली, तथा सुल्तान ने दीवान ए रियासत, कौन सा? दीवान ए रियासत एक विभाग की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी कंप्लीट एग्जाम में बनता है कि दीवान ए रियासत किसने चलाया था, तो यह चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, स्थापना की। बाजारों में सहना और जो बारिद होते हैं, मतलब जो गुप्तचर वगैरह होते हैं, सहना और बारिद या गुप्तचर नियुक्त किए गए थे। बाजार में तोल वगैरह और बांटों की जांच की जाती थी, और वस्तुओं की गुणवत्ता की भी जांच की जाती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो बहुत सारे देखने को मिलता है इसमें। देखो, बाजार में क्या कर रहे हैं? बाजार में जो तोल होती है उसकी जांच कर रहे हैं, बाट वगैरह होते हैं उसकी भी जांच की जाती थी, और वस्तुओं की गुणवत्ता की भी जांच यहाँ पर देखने को मिली है। इन सुधारों के फलस्वरूप अलाउद्दीन के संपूर्ण शासनकाल में मूल्य स्थिर बने रहे, ना ही बढ़े और ना ही घटे। तात्कालीन लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात थी, सुल्तान की दृढ़ व्यक्तित्व इन आर्थिक सुधारों की सफलता का कारण था। तो यहां पर कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति चलाई थी, उसके मूल्य बिल्कुल स्थिर रहे थे, ठीक है, और उनने सेना का वेतन भी अच्छा दिया, और करों में क्या की थी? वृद्धि की थी, और अपने साम्राज्य की भी रक्षा की, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर खिलजी वंश जो होता है वो समाप्त हो जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है। तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वह हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी, ठीक है। और बात करते हैं खिलजी वंश का जो अंतिम शासक हो जाता है वह कौन हो जाता है? तो वह हो जाता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका जो यूनिट नंबर 1 होती है, यूनिट नंबर 1 यहां पर जो हो जाती है वो हो जाती है अपनी खत्म, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम कल से अपने देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन आपको जल्दी ही मिल जाएगा कल। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।